Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. साल 2018 में सिंगर नेहा कक्कर और हिमांश कोहली का ब्रेकअप हुआ था। नेहा ने यह खुलासा रियलिटी शो के स्टेज पर किया था। रोते हुए नेहा ने पूरा किस्सा बताया जो काफ़ी सुर्खियों में रहा था। वीडियो भी इनके खूब वायरल हुए थे। वहीं हिमांश कोहली ने नेहा संग ब्रेकअप पर चुप्पी साधे रखी थी। हाल ही में हिमांश ने इस पर खुलकर बात की है। बता दें कि नेहा कक्कर ने रोहनप्रीत सिंह संग पिछले साल अक्टूबर में साथ फेरे लिए थे। कपल अक्सर सोशल मीडिया पर रोमांटिक फोटोज़ और वीडियो शेयर करता रहता है जो वायरल होते रहते हैं। बॉलीवुड बबल संग इंटरव्यू में हिमांश कोहली ने कहा कि वह मेरा ब्रेकअप था, कि मुझे क्यों दुनिया की चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि मेरे घर पर क्या हुआ या किस तरह दूसरे को परेशान करता है, किसी को क्यों इस मैटर में दिलचस्पी है। बता दें कि हिमांश कोहली के बारे में कई चीज़ें कही और लिखी गई। मीडिया से किस तरह हिमांश कोहली अफेक्ट हुए इस पर उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें वैसी हुई जैसे उन्हें होना था। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। साल 2018 से चल रही थी ब्रेकअप की कहानी। हिमांश ने इस इंटरव्यू के दौरान कहा कि साल 2018 से यह चीज़ें चल रही है। अब मैं नेहा को भी ब्लेम नहीं करता, वो आगे बढ़ चुकी है, वह खुश है, मैं उनके लिए खुश हूँ, मैं खुश खुद के लिए भी खुश हूँ। मैं सपनों की ज़िंदगी जी रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस का मनोरंजन कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो साल 2018 में ही बैठे हैं, वह उससे आगे नहीं निकल पाए हैं। हम तो साल 2021 में बैठे हैं, हम इसके बारे में अब कर सकते। कुछ लोगों का मानना है कि मैंने ही कुछ खराब किया था, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं। हिमांश कहते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मैं चैन की नींद नहीं सो रहा होता। मुझे ज़रूरी नहीं लगता पब्लिक को मैं चीज़ों को लेकर एक्सप्लेन करूं कि क्या सही था और क्या गलत। हिमांश कहते हैं कि नेहा ने अपनी चीज़ों की, वह निराश थी, गुस्से में थी। उन्होंने कहा कुछ पोस्ट किया होगा तो मैं गुस्से में था, लेकिन मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया। आप कौन ज़्यादा टॉक्सिक है? वे लोग टॉक्सिक हैं जो ज़बरदस्ती आपको पोक करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कभी इस बात पर भी बात नहीं की। मैं नेहा पर कुछ भी खराब नहीं करना चाहता हूँ। हम एक समान थे, प्यार नहीं था, नफरत भी नहीं थी। अगर हम यह मेंटेन कर सकते हैं तो अब लोग भी इसमें तसल्ली कर सकते हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.